हेलो जी, वेलकम बैक टू टीच मी क्लाउड। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विस में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एज्योर एडी को विंडोज़ 10, जो ऑन प्रमाइसेस में विंडोज़ 10 की मशीन रन कर रही है, उसको कैसे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र के साथ कनेक्ट करें। जैसे हम अपने अगर ऑन प्रमाइसेस इन्वायरमेंट की बात करें कि एडी को आप अपने विंडोज़ 7 में कन्वर्ट कर अपने विंडोज़ 7 को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, अपने विंडोज़ 10 को या कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको वर्क ग्रुप से आप डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एज इट इज़ अगर आप अपने पास एज्योर एडी का इस्तेमाल करते हो और ऑन प्रमाइसेस पे आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आप अपने विंडोज़ 10 मशीन को आप ज्वाइन करा सकते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। तो ये जो बेसिकली वीडियो है, ये पूरी तरीके से आपको हर एक स्टेप के बारे में डिस्क्राइब करेगी और क्या क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए वो सारे पे हम बात कर लेंगे। तो एक्चुअली जो हमारा इंफ्रा है कुछ ऐसा है, इंफ्रा के केस में हमने ये अपने पास एज्योर का पोर्टल हो जाएगा और साथ ही साथ अपने पास ऑन प्रमाइसेस में एक विंडोज 10 की मशीन है। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे अपने पास जो एज्योर का पोर्टल है, इस एज्योर पोर्टल में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के बारे में, एज्योर एडी के बारे में, और फिर उसमें हम अपने कस्टमाइज डोमेन, जो डोमेन हमने GoDaddy.com से परचेज कर रखा है, उस GoDaddy.com के डोमेन को अपने एज्योर के साथ अटैच कराएंगे, एंड देन विल क्रिएट अ यूज़र, और एक हम यूज़र क्रिएट करके अपने विंडोज 10 मशीन में उसको लॉगिन कराएंगे। तो ये एजेंडा है अपना और ये प्रॉपर स्टेप हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल में। बट प्रीरिक्विजिट की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए, अपने पास एक एज्योर का पोर्टल होना चाहिए, एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन प्रमाइसेस पर रन करनी चाहिए, और एक डोमेन अगर आपने कस्टमाइज परचेज कर रखा है, कुछ भी xyz.com के नाम से आपने डोमेन परचेज कर रखा है, किसी भी लोकेशन से, होस्टगेटर, GoDaddy.com, कहीं से भी आपने परचेज कर रखा है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इस डोमेन को सबसे पहले अटैच कराएंगे अपने एज्योर एडी से, और फिर उसके बाद उस एज्योर एडी पे हम अपने एक यूज़र क्रिएट करेंगे, जो यूज़र xyz.com को प्रेजेंट करेगा, और फिर हम सेम यूज़र को अपने विंडोज 10 से लॉगिन कराने का काम करेंगे। तो ये पूरा स्टेप है। डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं और पोर्टल पे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उससे पहले सेटअप देख लेते हैं कैसा हमने सेटअप किया। ये विंडोज 10 की मशीन है, ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जो ऑन प्रमाइसिस पे है, और ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है, राइट। और मीन वाइल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, GoDaddy.com पे हमने एक डोमेन परचेज कर रखा, उस डोमेन को भी लॉगिन करा लेते हैं यहाँ पे, ताकि सभी चीज़ें एक जगह पे हो जाए और हम एक एक स्टेप में कि इसका कब इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें हम क्लियर करते जाएं। तो ये अपने पास GoDaddy.com का अकाउंट, और इस पे हमने कुछ डोमेन है अपने पास, और डोमेन का जो नाम है हमारा e-learningplace.in है, तो e-learningplace.in को हम अटैच करेंगे अपने विंडोज 10 की मशीन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पोर्टल ओपन करना है। पहले डोमेन कंफर्म कर लेते हैं, ये अपने पास डोमेन हो गया e-learningplace, ठीक है। तो e-learningplace को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, कहते द मैनेज DNS, ठीक है, यहाँ पे डोमेन आ जाएगा अपना, इसको आप कॉपी करा लो, ठीक है। कॉपी कराने के बाद हम चलेंगे अपने एजर के पोर्टल पर, पोर्टल पे मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। मोर सर्विसेज पे आपको लेफ्ट पैनल पे दिखाई पड़ेगा एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी आपका डायरेक्टली ओपन कर देगा आपका एक्टिव डायरेक्टरी का भी, दैट मीन्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ रोल्स एंड पॉलिसी, वो आपको आइडेंटिटी में मिलेगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। पहला ही ऑप्शन एज्योर एडी का है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेफ्ट पैनल पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो हम सेपरेट वीडियो में क्रिएट करके उसको डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या काम है, एडी का क्या काम है, और यूज़र ग्रुप वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब अपने पास विंडोज 10 है, इसको हम जोड़ना चाहते हैं एडी के साथ, लेकिन उसके पहले हमें अटैच करना पड़ेगा अपना डोमेन। अगर आप यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करो ना, और एक यूज़र हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अपने पास एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगर हम यहाँ पे सिंपल ऐड यूज़र पे क्लिक करें, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन जो आया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डोमेन है ना, वो आपका डिफ़ॉल्ट डोमेन है, और डोमेन के नेम के लास्ट में onmicrosoft.com आ रहा है। बट यहाँ पे हम अपनी कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के अकॉर्डिंग डोमेन लगाना चाहते हैं, तो उसके पहले आप यूज़र बनाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आप देखो लेफ्ट पैनल पे है कस्टम डोमेन नेम्स, राइट। कस्टम डोमेन नेम पे आपने क्लिक किया, तो आपके पास सिर्फ एक डोमेन अवेलेबल है जो कि डिफ़ॉल्ट है,
और हमें क्या करना है, जो godaddy.com का डोमेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग प्लेस से हम अटैच कराना चाहते हैं। तो आप ऐड कस्टम डोमेन नेम्स पे गए, ऐड कस्टम डोमेन पे आए और अपने डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप कर दो, ई लर्निंग प्लेस डॉट इन के नाम से आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, TXT रिकॉर्ड और MX रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड अपने पास अवेलेबल हैं। तो एज़ वी नो दैट, ये अपने पास जो डोमेन नेम है इसमें जो रिकॉर्ड हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ फिर अटैच कर रहे हैं अपने पास फ्रेश डोमेन। तो एग्जिस्टिंग जो कनेक्टिविटी है इस डोमेन की, उस डोमेन नेम की, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। डन, अभी ये बाय डिफॉल्ट आ गया, फ्री आ गया, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही हमारा यह DNS कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले TXT रिकॉर्ड, ये आपके पास alias है, alias में @ और यह डेस्टिनेशन पॉइंट है, कॉपी करना है, और TTL 3600 आप ऐड पे जाओ, रिकॉर्ड कंफर्म कर लो आप TXT रिकॉर्ड। ओके, क्लिक ऐड, एंड ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है TXT, होस्ट में अपना @ जाएगा तो आप @ सेलेक्ट करा लीजिए, वैल्यू में जो आपने कॉपी किया है ना उसको आप पेस्ट कर देंगे, और कस्टम में जाके आप 3600 ये आपके पास आ गया, क्या वैल्यू आ गई, आप इसको सेव करेंगे। अगेन पास में ही मैं MX रिकॉर्ड है, TXT रिकॉर्ड के बाद आप MX रिकॉर्ड पे जाएंगे, एलियाज @ है, डेस्टिनेशन आप कॉपी कर लो यहाँ से, और डेस्टिनेशन पे जाके इस बार हमें तैयार करना है MX मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड, आपको ऐड करना है, सेलेक्ट करेंगे, MX रिकॉर्ड पे गए, @ यहाँ पे सेलेक्ट कर लो आप, और पॉइंट में जा करके आपने पेस्ट किया यहाँ पे प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी हमारा पोर्टल ही प्रोवाइड करेगा, हमने पोर्टल पे जो प्रियोरिटी है उसको उस आइकन पे को कॉपी किया और पेस्ट किया यहाँ पे, एंड नाउ 3600 3600 यहाँ पे सेलेक्ट कर लो आप, सेव कर लिया। तो दो रिकॉर्ड हमारे जो हमारे एज़र एक्टिव डायरेक्टरी ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो दोनों रिकॉर्ड एज इट इज़ हमने डोमेन पे कॉन्फिगर कर लिए, एंड अब बारी आती है यहाँ पे वेरीफाई करने की। अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है, दोनों रिकॉर्ड आपने सेव कर लिए हैं, TXT के MX के रिकॉर्ड, तो आप पोर्टल पे आएंगे और इसको वेरीफाई करा लेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ वेरीफाई रहा तो वेरीफाई तो हो गया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड, ओके, नॉट एन इशू। अब फिर से आप आओ बैक करो तो आप देखो यहाँ पे elearningplace.in वेरीफाइड करके आ गया, मींस आपका जो Azure Active Directory का पैनल है उस पैनल में आपने कस्टमाइज डोमेन जो आपने परचेज कर रखा है godaddy.com से, वो आपने सक्सेसफुली अटैच करा लिया। अब चलते हैं हम अपने यूज़र पे, तो यूज़र पे पैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मोस्टली जो यूज़र हैं हमारे, वो उनका जो डोमेन है वो सेपरेट सेपरेट है, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र पे जाएंगे, क्रिएट करना है, इनविटेशन नहीं भेजनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और यहाँ पे आप देना है यूज़र नेम, तो कोई सा भी यूज़र नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। जैसे हमने यहाँ पे अपने पास दो तरीके के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, क्रिएट का, क्रिएट यूज़र और इनवाइट यूज़र। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट में अगर आप यूज़र के सामने जो डोमेन नेम है यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ड्रैग ड्रॉप के केस में आपको ई लर्निंग प्लेस जो अभी अपने रिसेंटली godaddy.com से डोमेन के साथ अटैच किया, वो डोमेन नेम हाईलाइट हो गया। हम यहाँ पे नाम देते हैं अपने यूज़र का, कोई सा भी एक यूनिक नेम डिसाइड कर लेते हैं, लाइक ऐसे हमने डेमो डिसाइड किया कि जो यूज़र नेम है वो डेमो रख लेते हैं, और इसको हम डिफ़ॉल्ट डोमेन में ना रख करके अपने डोमेन से अटैच करेंगे, राइट? तो सेम नेम यहाँ पे रख लेते हैं हम अपने, जो डिस्प्ले नेम होगा। यहाँ पे पासवर्ड की बात कर रहा है, ऑटो जनरेट पासवर्ड या फिर आप चूज़ करोगे, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो पासवर्ड है, ठीक है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को रोल्स वगैरह असाइन करने के लिए, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स ही है, तो हमें इसको रोल्स में जा करके एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा, इसको हमें ग्लोबल एडमिन का यूज़र बनाना पड़ेगा। इसमें आप रोल्स में सेलेक्ट कर लीजिए, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड क्लिक ओके। ठीक है, ये पासवर्ड होगा, ये उसकी लोकेशन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, किस लोकेशन में इसको लॉगिन करना है, ये आपका कोई सा भी लोकेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड देन क्लिक क्रिएट। तो हमने एक यूज़र क्रिएट किया डेमो के नाम से, जिस डोमेन जो डोमेन डेमो यूज़र है वो हमारा अटैच है हमारे कस्टम डोमेन के साथ, ठीक है? तो ये हो गई सेटिंग्स रिलेटेड टू द पोर्टल, हमने ये पोर्टल से रिलेटेड जो सेटिंग थी वो फाइनल की।
अब इस यूजर को जो अभी हमने रिसेंटली बनाया डेमो के नाम से, ये आपका फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ब्राउजर पे, किसी दूसरे सेपरेट ब्राउजर पे इसको लॉगिन करा लेते हैं, portal.azure.com। और इस यूजर का नेम, हम यहाँ पे अनदर यूजर में जाएंगे, जो यूजर का नेम है ना, आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए डोमेन के साथ। कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो ये हमसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपका जो पासवर्ड है, आपने जो ऑन द टाइम ऑफ यूजर क्रिएशन आपने किया था, वो पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे करंट पासवर्ड की बात कर रहा है, तो आप करंट पासवर्ड प्रोवाइड कर दो, जो करंट पासवर्ड है आपके यूजर का। और यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा पासवर्ड डिसाइड कर लिया है, अब आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन इन करा सक्सेसफुली, ये साइन इन हुआ। बट हमारा जो पर्पज है, उस यूज़र को लॉग इन कराना नहीं है, इस यूज़र को अपने विंडोज 10 मशीन के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो अच्छा, और ठीक है, तो ये लॉग इन हो गया है, कुछ सेटिंग्स हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो वो हमें नहीं करना है। हम चलते हैं अपने विंडोज 10 की मशीन पे। तो ये विंडोज 10 मशीन है अपने पास, ये अपना यूज़र नेम है। ठीक है, इस पे इंटरनेट चलना चाहिए, सक्सेसफुली इंटरनेट इस पे रन करना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, ये ऑन प्रमाइसिस की बात कर रहे हैं, जो ऑन प्रमाइसिस में आपने विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है उस मशीन की बात कर रहे हैं। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ विजार्ड सामने आएगा, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है अकाउंट का। तो ये अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे आप, नंबर ऑफ ऑप्शन हैं जिसमें अकाउंट आपने चूज किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमेल अकाउंट, साइन इन ऑप्शन, और साथ ही साथ एक्सेस वर्क आर स्कूल। तो आपने क्या करना है, एक्सेस वर्क आर स्कूल पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट करने का, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने पे एक सेपरेट विजार्ड ओपन होगा, जिसमें आप सेम यूज़र आईडी, जो आपने अभी यूज़र आईडी यूज़र क्रिएट किया, डेमो एट द रेट ई लर्निंग, प्लेस डॉट इन, ठीक है, स्पेलिंग कंफर्म करना है आपको, डेमो एट द रेट ई लर्निंग प्लेस डॉट इन। ये हमने डोमेन परचेज किया था, डेमो एट द रेट ई लर्निंग प्लेस डॉट इन। ठीक है, अब आपको करना है नेक्स्ट यहाँ पे, और पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया हो उस यूज़र के लिए, आपने पासवर्ड उसको दे दिया, क्लिक साइन इन, नेक्स्ट। ओके, सो अगर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप यहाँ पे तुरंत के तुरंत सेटअप कर दीजिए। कंट्री कोड आप दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर देना है हमें, तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट कर लीजिए, ताकि आपका नंबर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आपका फ़ोन इस टाइम पे आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उस कोड को यहाँ पे मेंशन कर सके। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, 273538, 273538, राइट। अब इसको वेरीफाई कराएंगे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, दिस टाइप्स ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा है ऑथेंटिकेशन मेल आईडी इज नॉट कॉन्फिगर। तो आपने क्या करनी है, कोई भी एक मेल आईडी आप अपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक अपनी मेल आईडी कॉन्फिगर करते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट ऑप्शन है जो एजूर ने अभी इस्टेब्लिश किया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी ये लास्ट 1-2 महीने से ये सारी चीज़ें yahoo.com, ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी कर दिया है, कि आप कंफर्मेशन के लिए, सिक्योरिटी थोड़ा सा अच्छी करने के लिए, कि आप यू आर द ऑनर ऑफ दिस अकाउंट, तो उसके लिए आपको ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट से एक मेल आई, सेम यहाँ पे कोड दिखाई पड़ रहा है, तो आप इस कोड को कॉपी कर लो, और आपने क्या करना है, ये जो सेटअप है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा सॉरी, मैनुअल सेट करना पड़ेगा, 076313, 076313, 076313,
3313, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लो, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी सक्सेसफुली सेव्ड हो गई, ऑथेंटिकेटेड हो गई। अब आप इसको फिनिश कर दीजिए। ओके, तो अपनी विंडोज़ ऑन प्रमाइसिस की जो विंडोज़ 10 मशीन है वो जस्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड विद आवर पोर्टल। ये अपने पास Azure AD जो हमने ये डेमो बनाया था आपका, ये डेमो से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इस मशीन को आप लॉग आउट करिए और लॉग इन करिए डेमो के, और जो एक्टिविटी है इस पे, जो यूज़र आप की पॉलिसी देना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन इसके लिए अलाउ करना चाहते हो, तो रोल वगैरह जो है आप इस पोर्टल से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये बेसिकली प्रोसीजर हुआ, कंप्लीट प्रोसीजर हुआ हमारा कि कैसे अपने godaddy.com से जो डोमेन खरीदा, फिर उसके बाद अपने Azure पोर्टल में उसको कॉन्फ़िगर किया, Azure पोर्टल में कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने विंडोज 10 मशीन के साथ अटैच किया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन होता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट, ठीक है ना। हम 100% आपको सोल्यूशन देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड एक्टिव आईटी, सो विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट सून विद न्यू वीडियो।